जिसपे लग रहा है वही पे करता है,
जिस पे लग रहा है वहीं पे कर रहा है, तो वो कौन सा लग सकता है? ठीक है, जहां पे पेयर और जो बर्डन ले रहा है वो दोनों सेम पर्सन है, इंसिडेंटशिप नहीं होता है, वो कौन सा लग है? डायरेक्ट। जहां पे इंसिडेंटशिप हो जाता है, जेब से किसी और को लग रहा होता है और सरकार को कोई और पे कर रहा होता है, तो वो कौन सा टैक्स होता है? कंज्यूमर पे करता है, कौन पे करता है? कंज्यूमर। लेकिन सरकार को पे करने कौन आता है? दुकानदार। बात सुनना है, तुमने मैगी खरीदी 12 रुपए की, 2 रुपए उसमें टैक्स लगा हुआ है, तो 2 रुपए मोदी जी को बाहर के लेकर आओगे, पूरे बात का दुकानदार हो लेकर आओगे, दुकानदार सरकार को जाके टैक्स भरेगा। जेल से किसी गया तुम्हारे, सरकार को उसमें पे किया, दुकानदार। बात सुनना है, तो यहाँ पे कौन है? बर्डन किसी और के ऊपर और पे कोई और कर रहा है, वो कौन सा टैक्स लगता है बेटा? लेकिन एक्साइज अब लगना बंद हो गया है, सिर्फ कुछ चीज है जैसे लेकर है ना, इस पे टोबैको, इन सब में बैठ और एक्साइज अभी लगता है, बाकी जहां जहां तुम जीएसटी पे करते हो वहां वहां तुम्हें एक्साइज वैट सेल्स टैक्स ये सब पे करना नहीं पड़ता। पहले जब तुम होटल जाते थे, खाना खाते थे, बिल मिलता था पुराने जमाने में, तब तुम्हें सर्विस टैक्स लगता था। क्या लगता था? सर्विस टैक्स। अब क्या लगता है? जीएसटी। सर्विस टैक्स खत्म हो गया, क्या आ गया? जीएसटी। पहले तुम माल खरीदते थे तुम्हें वैट लगता था, अब वैट हटने क्या लगता है? जीएसटी। लेकिन निकल खरीदोगे तो क्या लगेगा? वैट सेल्स टैक्स लगेगा और एक्साइज लगेगा। नहीं आ रहा है क्या? नहीं, ये लेकर पेट्रोल इन सब नहीं लगता। तो वह तो एक लॉटरी चीज है जिसमें एक्साइज भी लगेगा और जीएसटी भी लगेगा, सिर्फ लॉटरी ऐसी चीज है। हाँ, सुबह गाड़ा पर करते ना एक्सरसाइज। एक्साइज पहले रिटेल टैक्स होता था, मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था, अब ये टैक्स नहीं लगता है। बोलिश जब एग्जीक्यूटिव में टैक्स पढ़ने आओ तो समझ में आएगा। आप भी
ke perhalis bedak खरीदा होगा,
लायबिलिटी चुकाई है, निकाले क्या है तो विच सुन रहे हो which neither increases the six nor reduces which either increases the six or reduces liability वो क्या हो जाएगी बेटा तुम्हारी कैपिटल रिस्क नहीं आ रही क्या है एग्जांपल देते मुझे सर ये सैलरी हो जाएगी रेवेन्यू और यहाँ से असेट्स खरीदेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे सैलरी तो डिफेंस और कोर्ट के जो ऑफिशियल्स होते हैं बोलो भाई जजेस वगैरह क्लियर है क्या और आर्मी वगैरह की सब की सैलरी और बहुत सारे खर्चे ये सब क्या हो जाएंगे तुम्हारे रेवेन्यू खर्चे क्या पहले छोड़ बताओ अरे जो मेरा बन रहा है ये बन रहा कोई शेयर बन रहा है इसके स्पेस में रखी हुई है बोलो भाई ये कौन सा फ्लाई ओवर बन रहा है जो मैं शेयर में नाम का ना नहीं क्या होगा कुछ नहीं है सब दिमाग में रोड का कुछ नहीं आठ दस साल में पूरी समस्या खत्म हो जाएगी आठ दस साल हम से उसको लगे नहीं बना रहे हमारे बच्चे घूमेंगे हम लोग बंदे जाएंगे तो कौन सा एक्सपेंडिचर बेटा फ्लाई ओवर बन रहा है वो तो है नहीं यहाँ पे क्या कर रहे हैं रिड्यूस लाइबिलिटी यानी क्या कर रहे हैं लोन वगैरह रीपे कर रहे हैं क्या कर रहे हैं बेटा लोन वगैरह रीपे कर रहे हैं ये कौन सी लाइबिलिटी का हो जाएगा बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर तो एक होता है तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक होता है तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है व्हिच नाइदर इंक्रीजेस द फिक्स्ड नॉर रिड्यूसेस लायबिलिटी और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है व्हिच आइदर इंक्रीजेस द फिक्स्ड नॉर रिड्यूसेस लायबिलिटी लेने का एक्सपेंडिचर किसी तरह से होगा कौन सी चीज है यानी कैपिटल जो लोन दिया वो क्या होगा अरे लोन दिया है तो ऑब्वियस बात है एक्सपेंडिचर और इसी के साथ होता है लोन दिया है ठीक है और लोन दिया है तो कौन सी रिसीव हो जाएगी बेटा कैपिटल कैसे रिसीव हो जाएगी कैपिटल हमने लोन दिया बस वापस मिलेगा हां ये असेट है जो लोन दिया वो क्या है इंक्रीजेस असेट क्या है बेटा इंक्रीजेस असेट तो कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल लेकिन उसमें जो ब्याज है उसमें आ रहा है ब्याज यानी कि इंटरेस्ट आ रहा है वो क्या हो जाएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अच्छा किसी हमने लोन दिया था किसी ने छुपा दिया हमने लोन दिया था किसी ने वापस छुपा दिया मतलब मैंने मान के चलो इंडिया गवर्नमेंट ने जापान गवर्नमेंट को लोन दिया था जापान गवर्नमेंट ने बता दिया वो कौन से किसी को गया इसको के चलो क्या हो गया चूंकि क्या हो रिड्यूसेस असेट क्या हो रहा है रिड्यूसेस असेट याद रखना कौन सी रिड्यूसेस असेट है कौन सी इंक्रीजेस असेट है नहीं आ रहा है क्या आ रहा है बोलो नहीं आ रहा है क्या इलेक्शन वाला बेटा जो पार्टी खर्चा करती है ये प्रमोशन में और ये सारी चीजों में वो तो पार्टी का खर्चा होता है गवर्नमेंट खर्चा होता ही नहीं है ठीक है जो वोटिंग जो इलेक्शन कमीशन खर्चा करता है कि लोगों को लगाया वोट देने के लिए है ना और जागरूकता इलेक्शन कमीशन आपको मोटिवेट करता है कि वोट देने जरूर आ रहे हैं टीवी में चल रहा है ये सब गवर्नमेंट खर्चे रहते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया गया खर्चा है लगी हुई थी बोल चुके जब सब बोल रहा बोल कुछ लगी हुई देख लो
क्या बोल रहा है बेनिफिट्स और रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर दैट इन जनरल डू नॉट इंटेल सेल और क्रिएशन ऑफ असेट आर इंक्लूडेड अंडर द रेवेन्यू अकाउंट क्या बात समझ में आ रही है जहां से असेट लायबिलिटी में फर्क नहीं पड़ता है इसका असेट लायबिलिटी में फर्क नहीं पड़ता है वो क्या होता है बेटा रेवेन्यू और द रिसीट साइड क्या आता है taxes would be the most important revenue receipt or the expenditure right? Anything that does not result in creation of asset is treated as revenue expenditure jaise ki salaries di hai subsidies di hai interest payments kiya hai are good example of revenue expenditure nahi aaya ki aaya didi abhi aaya samajh mein agar kuch aur segment samajh mein nahi aaya koi baat nahi ek din sab theek ho jayega और हमारे पास क्या हो गया क्या हो गया तो क्या बेटा पैसे गए और लाइबिलिटी कम हो गई क्या हो गई लाइबिलिटी कम हो गई कोई लोन वगैरह चुका दिया तो वो भी क्या हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें ये सब नहीं होता है वो क्या हो जाता है रेवेन्यू क्लियर है जिसमें ये सब नहीं होता है वो क्या हो जाता है रेवेन्यू क्लियर है बोलो ठीक है और इसमें एक्सपेंडिचर दैट लिक्विडेट और क्रिएट सॉरी दैट लिक्विडेट और क्रिएट एसेट और इन जनरल भी अंडर कैपिटल अकाउंट गवर्नमेंट सेल्स शेयर्स दिस इन्वेस्टमेंट किया गवर्नमेंट ने पांच वर्ष के प्रॉपर फ्लो चार्ट बनाया है पर वहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा दिस इन्वेस्टमेंट किया लाइक इन केस ऑफ मारुति इट इज इन इफेक्ट ऑफ सेलिंग एन एसेट द रिसीट फ्रॉम सेल वुड गो अंडर द कैपिटल अकाउंट कहां पे जाएगा बेटा कैपिटल अकाउंट अगर गवर्नमेंट गिव समवन अ लोन फ्रॉम व्हिच इट एक्सपेक्ट रिसीव इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने कुछ लोन दे दिया किसी को बदले में क्या मिलता है ब्याज द एक्सपेंडिचर वुड गो अंडर द कैपिटल अकाउंट के पास में जो लोन दिया है ये जो पैसे है वो कहां जाएगा कैपिटल अकाउंट में और द अदर हैंड इफ द गवर्नमेंट गिव समवन लोन फ्रॉम व्हिच इट एक्सपेक्ट रिसीव इंटरेस्ट द एक्सपेंडिचर वुड गो अंडर द कैपिटल अकाउंट ठीक है क्या नहीं आ रहा है अरे बोलो बे जो पढ़ा दिया है वही लिखा हुआ है क्लियर है क्या ये एक बार आप रीड कर लोगे क्या बोलो ये पूरा फ्लो चार्ट प्रॉपर ही बना होना चाहिए आपके पास ये फोटो खींच के कोई मतलब नहीं है बेटा तो मैं वो बड़ी कब से बना फोटो खींच रहा हूं ये हो गया जल्दी कर बच्चों ये चुप लाल कराओ या फिर बच्चों आ जाए तो हाल करें पास करने चले हो गया क्या अरे बोल रहे हैं हो गया आगे बढ़े उनमें मेरे को स्टेट बैठा और थोड़ी काम की बात ठीक है क्या अब बजट में दो चीजें हो सकती हैं ठीक है मैं अपने सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ बुक में रीड करा दूंगा ठीक है तो अब बजट क्या तो फिर कोई भी बजट अच्छा एक बार अच्छे से बना देता हूँ बजट दो होंगे कौन कौन से क्लियर है क्या दोनों बजट में एक ही चीज होगी या तो सरप्लस आएगा या तो क्या आएगा या तो बैलेंस या तो जानते हो क्या या तो सरप्लस आएगा या तो बैलेंस आएगा या तो डेफिसिट आएगा सरप्लस यानी क्या होगा रिसीट ज्यादा है और खर्चे कम रिसीट ज्यादा है और खर्चे क्या है वो क्या हो जाएगा सरप्लस अच्छा बैलेंस क्या हो जाएगा जितनी रिसीट उतने खर्चे तो क्या हो जाएगा सुन रहे हो
politics saja. Jadi kalau kerja, di politik itu receipt is greater than expenditure. Yang apa receipt is equals to the expenditure. Or deficit itu kalau dia kerja receipt is less than. Samse ho ki nahi samse ho. Hey, bolo. अब डेफिसिट के अंदर तीन प्रकार के डेफिसिट है. मेन नंबर तो क्या पढ़ने बेटा डेफिसिट्स. डेफिसिट के अंदर तीन प्रकार के डेफिसिट है. इनको भी एग्जाम में अच्छे से पढ़ने यही आता है. एक होता है फिस्कल डेफिसिट. एक क्या होता है बेटा फिस्कल डेफिसिट. दूसरा क्या होता है बेटा ये कार्गो फिस्कल इक्वली लिखो सब लिख लिया तो नाला को बताओ तो लिख लो तो सुनने आ गई कॉपी बना रहे हो अच्छी बात है बेटा बताओ तब के लिए तो बोर्ड में हम मत लिखो ना जब मोबाइल पर लिखते तब लिखना है. सुन लो तीन प्रकार के डेफिसिट होते हैं. कौन-कौन से रेवेन्यू फिस्कल और कौन-कौन से रेवेन्यू फिस्कल और क्या होता है डेफिसिट. क्या होता है फिस्कल डेफिसिट और क्या होता है प्राइमरी डेफिसिट समझने की कोशिश करना. ठीक है क्या रोजमर्रा की कमाई सरकार की क्या रेवेन्यू क्या है गवर्नमेंट की सैलरी. बोर्ड तो कोई सरकार कौन सैलरी देगा रेवेन्यू इसी कहते रोजमर्रा की कमाई सरकार की टैक्स. क्या क्या बेटा टैक्स और उसे क्या हो जाएगा नॉन टैक्स फीस वगैरह जो सरकार को मिली है. ठीक है फाइन्स पेनल्टीज वगैरह जो मिले नहीं आ रही क्या है तो सरकार की रिसीट क्या हो जाएगी बेटा तुम्हारी रोजमर्रा की कमाई क्या होगी रेवेन्यू रिसीट. क्या होगी रेवेन्यू रिसीट. और रोजमर्रा के खर्चे क्या होंगे बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. क्या होंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नहीं आ रही क्या तो रेवेन्यू रिसीट. रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो जाता है जब रेवेन्यू रिसीट क्या हो जाती है बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है बेटा ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीट हो जाता है. क्या हो जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन क्या हो जाता है रेवेन्यू रिसीट. और रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है समझ में आ रहा है क्या बच्चे रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या हो जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट. आशा करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा. नहीं आ रहा है कि आ रहा है अरे बोल रहा. अब मैं तीनों डेफिसिट को एक एग्जांपल देके समझाऊंगा आपकी मां पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी. क्लियर है क्या. फिर उसके मैं फॉर्मूले वगैरह आपको बता दूंगा. ठीक है क्या. फॉर एग्जांपल चलो ओके तुम्हारा नाम भी दे दिया. ये क्या है बेटा ठीक है. अब राजू गया थे दुकान में सामान खरीदने. राजू दुकान में क्या गया बेटा सामान खरीदने. उसको बोला एक काम करो ये निकाल दे वो निकाल दे ऐसा बचते ऐसे करके पूरी लिस्ट निकालता गया सामान और पूरा पंक्ति भर के इसमें सामान तो इस दुकानदार ने मांगे कितने रुपए बोले कितने पैसे हुए तो सब मिला पता है कितने 18,000 कितने हुए बेटा तो कोई भी की शॉपिंग कर ली इसने 18,000 इसके रोजमर्रा के खर्चे कितने हैं 18,000. फिर इसने क्या किया अपने जेब में पर्स खोल के देखा तो इसकी जेब में मात्र कितने पैसे थे 6,000 रुपए. कितने पैसे थे बेटा 6,000. अब कितने कम पड़ गए 6,000. अच्छा वो बेटा ठीक है. और उसके जेब में 6,000 रुपए थे तो
कम कितने पड़ रहे हैं बेटा, तो ये 12,000 क्या हो जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट, ये 12,000 क्या हो जाएगा बेटा, रेवेन्यू डेफिसिट। नहीं आता क्या? अरे बोलो, अब ये 12,000 कम पड़ने की बात क्या किया गया, क्योंकि 12,000 रुपए कहाँ से बाहर जाए, ठीक है क्या? अच्छा, प्लस इसके साथ में एक खर्चा और हो गया इसका, कि इसने मान के चलो एक टू व्हीलर खरीद, टोटल
सरकार ने कौन से बच्चे थे कैपिटल दोनों को मिला के क्या सरकार के फोर्ट
एक्सपेंडिचर किया है कि नहीं किया है, लेकिन अगर सरकार के पास जो पैसा है, जो मैंने एग्जाम्पल दिया है वो दिया है कौन सा, सिर्फ और सिर्फ टैक्स का, इसका दिया है टैक्स का, कि ये कौन सी रिसीव है, रेवेन्यू रिसीव, कौन सी रिसीव है बेटा, रेवेन्यू, नहीं आया कि आया यहाँ तक बोलो ना, जब रेवेन्यू ने रिसीव आया था तो ऑब्वियसली बात है टोटल खर्चे तो और कम करेंगे, नहीं आ रही है, जब सरकार टैक्स के पैसों से अपने रेवेन्यू खर्चे नहीं चला पा रही थी तो और टोटल बनाने खर्चे कहाँ चला पाएगी, मेरे साथ और समझ में आया है, तो अब टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू रिसीव से काम चलेगा फिर और कोई रिसीव का जुगाड़ करना पड़ेगा, तो सरकार करेगा करके रखेंगे आज की सब समा बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।